अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप टर्किश एयरलाइन की टिकट बुक करते हुए डिफरेंट ऑप्शंस को कैसे अवेल कर सकते हैं। इन ऑप्शंस में मैं जो स्पेसिफिक आपको बताऊंगा वो है सीट सिलेक्शन। अगर आप सीट सिलेक्ट करते हैं तो उसके आपको कितने चार्जेस पे करने पड़ेंगे। नंबर टू पे आपको बताऊंगा कि अगर आप बैगेज की फैसिलिटी अवेल करना चाह रहे हैं, मींस के इनकी एग्जिस्टिंग बैगेज की फैसिलिटी क्या है, और अगर आप एक्स्ट्रा बैग ऐड कराना चाह रहे हैं तो उसके कितने चार्जेस होंगे। नंबर थर्ड पे मैं आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये बताऊंगा कि अगर आप पेट कैरी करना चाह रहे हैं, लाइक कैट, डॉग या कोई भी चीज़ पेट जो आपका, अगर आप कैरी करना चाह रहे हैं तो उसके कितने चार्जेस होंगे। इन सब की डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो मेरे साथ रहें और इस वीडियो को एंड तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं। ये टर्किश एयरलाइन की जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले जो है आपने सेलेक्ट करना है वन वे, और आप ट्रैवल कहाँ से कर रहे हैं, लाइक मैं लाहौर से ट्रैवल कर रहा हूँ, और टू मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ, इस्तांबुल फ्लाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और नंबर ऑफ़ डेट्स मैं सेलेक्ट कर लूँगा, लाइक अगर मैं सेप्टेम्बर में ट्रैवल कर रहा हूँ, नंबर ऑफ़ पैसेंजर वन है, ठीक है। ये चेक कर ले, वन वे सेलेक्ट किया, फ्रॉम टू, और पैसेंजर्स कितने हैं, और डिपार्चर डेट सेलेक्ट की। देन इसके बाद मैं सर्च फ्लाइट पे आऊँगा। सर्च फ्लाइट पे आया तो ये चेक कर सकते हैं आप डिफरेंट डेट्स पे जो है वो प्राइस आ रही है। 138,000 रुपीज़ की जो है वो फ़्लाइट आ रही है इकॉनमी क्लास, एंड बिजनेस क्लास जो है वो 7,46,000 है। तो हम इकॉनमी पे जाएंगे, इकॉनमी को सिलेक्ट करेंगे। इसमें फर्दर दो ऑप्शन हो जाते हैं, इकोनॉमिकल सेमी फ्लेक्सिबल और इकोनॉमी फ्लेक्सिबल के नाम से, ठीक है। इसमें डिफरेंस आप चेक कर लें, वन हैंड कैरी 8 kg बैग सिमिलर है, मील सर्विस भी अवेलेबल है, 30 kg बैग अलाउंस है, इसमें भी 30 kg बैग अलाउंस है। अगर चेंज करना चाह रहे हैं आप, लाइक फ्लाइट डेट चेंज करना, अगर फ्लाइट डेट चेंज करना चाहेंगे तो इकॉनमी सेमी फ्लेक्सिबल में जो है वो 19,750 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आप इकॉनमी फ्लेक्सिबल सेलेक्ट करते हैं तो विदाउट पेइंग एनी पेनी आप जो है वो चेंज कर सकते हैं डेट्स को, ठीक है। ये है फुल रिफंडेबल, मतलब अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपको फुल रिफंड हो जाएगा। अगर इसमें जो है वो अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपको 39,500 रुपीज़ जो है वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। इनमें जो डिफरेंस प्राइस का है 138,000 रुपीज़ की आ रही है, और ये आलमोस्ट 3,14,000 की आ रही है। तो चीप ऑप्शन जो है वो 1,38,000 का है वन वे का, इसको हम कर लेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद जो है आप चेक कर सकते हैं इसमें ऐड एक्स्ट्रा सीट का आ रहा है, ठीक है। अगर आप सीट सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आपको जो है वो चेक कर लें कितने पैसे आपको अब भरने पड़ रहे हैं। ये है टोटल प्राइस 267,000 रुपीज़ की पड़ रही है, ठीक है। हम विदाउट सीइंग एक्स्ट्रा, मतलब अगर आप एक्स्ट्रा सीट करना चाह रहे हैं, हम एक्स्ट्रा सीट नहीं करना चाह रहे, इस पर करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू किया तो इस पर आप अपनी डिटेल ऐड कर देंगे। मैं अपनी डिटेल जो है वो ऐड कर देता हूँ, और जो है वो डेट ऑफ बर्थ जो है वो ऐड कर देता हूँ, टर्किश सिटीज़न है नहीं, इसके बाद करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू किया तो आप चेक कर सकते हैं इसमें सीट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप ये सीट सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो है वो इनके जो चार्जेस होंगे वो पे करने पड़ेंगे। अगर आप सीट सेलेक्ट नहीं करते विदाउट सेलेक्टिंग एनी सीट, अगर मूव फॉरवर्ड कर जाते हैं तो फिर भी आपकी जो है वो सीट आपको मिल जाएगी जब आप बोर्डिंग कराने जाएंगे। आप ये चेक कर सकते हैं सीट, अगर मैं वन सीट सेलेक्ट करता हूँ तो वन सीट सेलेक्ट करने का जो है ना 6,080 रुपीज़ आ रहा है। मतलब अगर मैं अपनी पसंद की सीट सेलेक्ट करना चाहूँ, विंडो सीट, ठीक है, तो मुझे कितने पे करने पड़ेंगे, 6,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी 138 प्राइस आ रही है, अगर मैं इसे वन सीट सेलेक्ट कर लूँ तो इस चेक कर लें, तो ये चेक कर लें जो है 6,080 रुपीज़ ऐड हो गए हैं, और 144,000 रुपीज़ की जो है वो आपकी टिकट की प्राइस हो गया। मैं विदाउट सेलेक्टिंग एनी सीट इसको मैं फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है, कंटिन्यू इस सेलेक्ट करूँगा। कंटिन्यू सेलेक्ट किया तो ये फर्दर ऑप्शन आ जाता है, आप ये चेक कर लें। मैं आपको इसमें बताऊंगा, अगर आप एक्स्ट्रा बैगेज कैरी करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। अगर अभी जो अलाउेबल है वो 30 kg है आपका, ठीक है। एक्स्ट्रा मैं अगर इस पे जाता हूँ एक्स्ट्रा बैगेज पे, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि पर kg आपको जो है ना कितने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अच्छा, ये चेक करें, पेज ओपन हो गया। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक्स्ट्रा बैगेज ऐड करने के कितने चार्जेस पड़ते हैं पर केजी। इसमें ये चेक कर सकते हैं, 1 kg ऑफ एक्स्ट्रा बैगेज
पिकेयर 5,250 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। लाइक अगर मैं 3 kg ऐड करता हूँ तो 15,000 रुपया मुझे जो है ना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इस तरह 6 kg का जो है वो 31,000 है। तो जितना आप वेट ऐड करते जाएंगे उतने आपके टिकट जो है वो महंगी होती जाएगी। हम इसको कंटिन्यू करते हैं विदाउट एडिंग एनी एक्स्ट्रा बैगेज। अभी जो है थर्ड जो मैं आपको बताऊंगा वो है पेट ऐड करने का तरीका। लाइक अगर आप पाकिस्तान से या फिर अगर आप टर्की से कोई पेट लेके आ रहे हैं रिटर्न पे, ठीक है, मींस के आप जो है टर्किश कैट कोई लेके आते हैं वहाँ से, तो उसके कितने चार्जेस आपको पड़ेंगे वो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें हम ऐड करेंगे सिलेक्शन, ठीक है। इसमें आप चेक कर लें पेट कैरेज एरिया सिलेक्शन, ठीक है। आप पेट इन कैबिन लेके आना चाह रहे हैं या पेट इन द एयरक्राफ्ट होल्ड, मतलब एयरक्राफ्ट होल्ड उनके होल्ड में हो, ठीक है। हम पेट इन कैबिन जो है ना अपने होल्ड में ना इसको करना चाह रहे हैं। यू मस्ट सेलेक्ट अ स्टैंडर्ड विंडो सीट इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद अ पेट। देयर विल बी नो एक्स्ट्रा चार्ज फॉर योर सीट सिलेक्शन ऑफ द पेमेंट स्टेज। डू यू एग्री टू? अच्छा, इसमें अगर आप पेट अपने साथ लेके आ रहे हैं कैबिन में तो आपको जो है ना मस्ट है कि आप जो है विंडो सीट सेलेक्ट करें, ठीक है। इस पर हम करते हैं एग्री। एग्री किया और आपको विंडो सीट सेलेक्ट करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। इसमें जो है वो देख लें 6,020 जो है ना वो ऐड हो रहे हैं आपके, ये आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा सीट क्योंकि आप पेट कैरी करके ले आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। आप चेक कर लें, आप जाते हैं हम कैप पेट में ऐड करते हैं पेट अपना, ठीक है। आप टर्किश एयरलाइन के थ्रू जो है वो कैट लेके आ रहे हैं टर्किश तुर्की से, ठीक है। तो इसमें मैं पेट इन कैबिन करूँगा, ठीक है। इसमें सेलेक्ट करूँगा मैं कैट लेके आ रहा हूँ। आप इवन कैट डॉग बर्ड भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। हम कैट पे भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसके बाद ब्रीड कौन सी है, टर्किश कैट है, ठीक है। और वेट कितना है, आप जो वेट कराएंगे इसका 6 kg वेट है। और इसमें हाइट आप अपनी पेट का जो ऐड कर लेंगे, ठीक है। विड्थ जो है वो 12 कर देते हैं, ठीक है। और लेंथ कर देते हैं 16, ठीक है। ये आप जो है मेजरमेंट करा के लेके आएंगे, ठीक है। ऐड पेट करूँगा तो ऐड पेट, ये जो मैं एक पेट कैट लेके आ रहा हूँ उसके मुझे जो है ना 56,000 रुपीज़ जो है वो एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे अगर मैं अपने साथ पेट कैरी करके ले आता हूँ, ठीक है। इसमें फर्दर मैं कंटिन्यू जाऊँगा, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू किया, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया बैगेज का, सीट का मैंने पहले आपको बता दिया, पेट ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। इसके बाद कंटिन्यू करना है आपने। कंटिन्यू किया मैंने तो हम जो पेज अभी ओपन हो जाएगा वो पेमेंट वाला हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपने जो है वो पे करने हैं। अब पे विद वाउचर है डिफरेंट, हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करेंगे। इसमें आपने अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल वगैरह सारा, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVC सारा कुछ ऐड करेंगे। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके अकाउंट से जो है वो 194,000 रुपीज़ जो है ना वो कट हो जाएंगे। और जो है फेयर डिटेल चेक कर लें, आपके एडिशनल जो लगे हैं वो 56,000 लगे हैं वो के आपके पेट कैरी करने के लगे हैं। तो ये थी शॉर्ट सी वीडियो कि आप जो है टर्किश एयरलाइन के थ्रू पेट कैसे कैरी करके लेके आ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो अपने दोस्त के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।